मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारा भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल के तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमश पांच महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखें तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्यों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है जहाँ तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर पांच परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सला सतह से शुरू करते हुए शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयात के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 78% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्रीय तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्र में कम।
वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीव मंडल स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादम जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। औद्योगिक तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों की उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। We'll be right back.